गुड मॉर्निंग संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, संधि अथवा संधि विच्छेद करें। अब इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे। फर्स्ट था मधु जोर अरिह, तो मधु जोर अरिह में आप देख रहे हैं कि यन संधि का एग्जाम्पल है। हरस्व उ के बाद स्वर वर्ण अ आ रहा है, तो हरस्व उ बनेगा वह लंत और इसमें अ लगेगा तो पूरा व बनेगा एवं ध आधा हो जाएगा। तो म के जगह पर हमने म लिख दिया, ध हलंत हो गया, ध में से उ निकल के व हलंत बना, व हलंत में अ की मात्रा लगी तो हलंत गायब हुआ और र हर स्वीकार री, फिर विसर्ग डाल देंगे तो आंसर बना मध्वरिह। अब है दूसरा क्वेश्चन नद्यागमः। नद्यागमः में आप लोग देख रहे हैं इसको तोड़ना है, या है तो य हलंत जोर आगमः, तो एक पद हमारा अंतिम पद आगमः निकलेगा और य हलंत के बदले द में हरस्वीकार या दीर्घीकार, तो नदी में दीर्घ ई होता है, तो हम लोग लिखेंगे नदी प्लस आगमः। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है नेजोरति, तो नेजोरति में ए प्लस अ, तो ए का अय, तो यहाँ ने से नय बना एवं त हरस्वीकार ती हुआ, इस प्रकार नयति बना। श्रवणम का संधि विच्छेद देखेंगे, श्रवणम श्रव अव है तो श्र में ओ लगा और अनम निकला तो आंसर हुआ श्रवणम। वीरो जोरपी है पांच नंबर, तो वीरो जोरपी में ओ के बाद अ आ रहा है तो ये पदांत है ओ, इसलिए वीरो और अपी में अ अवग्रह हुआ एवं प हरस्वीकार पी, तो आंसर बना वीरो अपी। के अपी का संधि विच्छेद करेंगे तो के पदांत ए है और अ अवग्रह है, इसे हम फिर से पूरा अ लिखकर प हरस्वीकार पी अपी लिखेंगे। सात नंबर है उपजोर एजते, तो उपजोर एजते में प में अ है तो अ की मात्रा गायब होकर प हलंत में ए की मात्रा लगेगी, आंसर बनेगा उ पे ज ते। रवि इमऊ में संधि विच्छेद करेंगे तो द्विवचनांत है दीर्घिकारांत शब्द, इसलिए रवि जोर इमऊ। अब हम लोग देख रहे हैं नौ नंबर हरि जोर एतौ है, तो यहां भी द्विवचनांत है दीर्घी, यानी दीर्घ इकारांत पद द्विवचनांत है तो इसमें संधि नहीं होगी, हरि और एतौ। अगला है टेन नंबर पर्वतौ जोर ईव, तो आप लोग देख रहे हैं पर्वतौ में औ है, औ का आव बनेगा तो यहां पर आंसर होगा पर व ता व, लेकिन व हलंत में ई की मात्रा लगेगी तो पर्वतावी व के बदले व लिखा गया पर्वतावीव। धात्रंसह का संधि विच्छेद देखेंगे, त्र है तो त हलंत में र का ई बनेगा री बनेगा तो यहां पर बना धात्री और जोर अंसह। अगला है ट्वेल्व लिरी जोर आकृति, तो लिरी के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो लिरी का ल हलंत बनता है, आ की मात्रा लगने से आ बना यानी ला बना तो ला में कृति लाकृति। अब आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है दीर्घ ई प्लस हरस्व उ से बनेगा, पहला में है य, दूसरा में है य दीर्घुकार यू, तीसरा है ऑप्शन में दिया हुआ य हरस्व कार, तो ई का य हलंत बना,
ह्रस्व उ की मात्रा लगी, यानी आंसर जो है सही आपका 3 नंबर है यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, भावनम का संधि विच्छेद है। अब भावनम में भाव है आव, तो आव बनता है ओ या औ से, तो हम देखेंगे औ का आव होता है, इसलिए भव से भाव बना और ब हलंत में से अनम निकला, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 नंबर, भव जोर अनम। भव जोर उकह से बनेगा, तो भव का भाव और उकह में ह्रस्व की मात्रा लगेगी, तो आंसर होगा 1, भाव उकह। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व रूप का उदाहरण है। अब पूर्व रूप का इनमें से कौन सा उदाहरण है, सर्वे अपि, सर्वे अपि, का अपि, तौ अत्र, तो यहाँ 1 नंबर सही है, ए या ओ के बाद अ आने पर अवग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रमे आगतौ। अब रमे आगतौ किस संधि का रूप है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एकारांत पद है जो द्विवचनांत है, इसलिए प्रकृति भाव संधि 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं 6 नंबर में इति जोर आदेह से संधि होगा। पहला ऑप्शन दिया इत्यादि, दूसरा इत्यादयः, तीसरा इत्यादयः, चौथा इति आदयः, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मात्रा देशह का संधि विच्छेद है। अब मात्रा देशह में त्र में हलंत करेंगे तो आदेशह निकलेगा, तो आदेशह सब में है, और त्र में त हलंत जो र हलंत, तो त हलंत में र का री बनेगा, यानी मात्री, तो पहला में मातु है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है मात्री, तो ये आंसर सही है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, यन संधि में ह्रस्व उ का डैश बनता है, तो यन संधि में ह्रस्व उ का व हलंत बनता है, पूरा व लिखेंगे तब तो अ आने के बाद व होगा, यहाँ सिर्फ ह्रस्व का क्या बनता है वो पूछा गया, इसलिए आंसर में व हलंत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्लस लिड़ी से बनेगा। अब अ जो लिड़ी से अल बनेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर है लिड़ी का ल हलंत, यानी 4th नंबर, तो अ जो लिड़ी से अल बना। अब हम लोग व्यंजन संधि शुरू करेंगे, ये संधि का दूसरा नियम है, व्यंजन संधि यानी दूसरा भेद है। व्यंजन संधि की परिभाषा देखेंगे आप लोग, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, यानी यहाँ पर शर्त है कि दोनों में से कोई एक वर्ण जरूर व्यंजन रहेगा, या तो दोनों व्यंजन हो सकता है व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण, या व्यंजन के बाद स्वर, या स्वर के बाद व्यंजन, तो यहाँ 3 टाइप का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोग देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, जैसे दिक जोर अम्बरह, तो दिक में क हलंत व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर स्वर वर्ण अ आ रहा है, तो विकार उत्पन्न हुआ जो आप व्यंजन संधि के नियम में पढ़ेंगे, क हलंत ग में बदल गया, यानी दिकम्बरह न होकर दिगम्बरह हुआ, तो इसी क हलंत को ग हलंत में बदलना व्यंजन संधि कहलाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है सम जोर योगह, तो सम जोर योगह में म हलंत के बाद य आ रहा है, अर्थात व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो म हलंत अनुस्वार में बदल गया, तो ये व्यंजन संधि के परिभाषा को फॉलो करता है, यानी सम जोर योगह से आंसर बना संजोगह। अब तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें वी जोर छेद, वी में वर्ण विन्यास करेंगे तो व हलंत जोर ई, यानी अंत में ह्रस्व ई आ रहा है, स्वर वर्ण है, इसके बाद 6 हलंत व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में
कुछ बदलाव हुआ, बीज और छेद से विच्छेद यानी च हलंत जुड़ गया है, तो इसी बदलाव को व्यंजन संधि कहते हैं। फिर हम देखेंगे इसके कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट नंबर में है झलाम यस जसो अंते। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण, वर्गों का प्रथम वर्ण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग है 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका प्रथम वर्ण हुआ क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत एवं प हलंत। तो वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण 13 में से कोई आ सकता है, या वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का तीसरा चौथा ग घ, ज झ, ड ढ, द ध और ब भ, इन 10 में से कोई वर्ण या अंतस्थ व्यंजन वर्ण य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। अब इसको आप लोग बॉक्स में समझेंगे, ये बॉक्स में उसी बात को समझाया गया है, तो इसे आप लोग समझेंगे। अब वर्गों का प्रथम वर्ण 5 में से कोई क, च, ट, त, प, कौन परिस्थिति आएगा कि अपना तीसरा में बदलेगा, यानी क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, अ प का ब हलन, कौन सा परिस्थिति आएगा तब बनेगा। तो वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण यानी 13 में से कोई अ, आ, हरस्वी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, हरसुरी, दीर्घरी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, या फिर वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण यानी 10 हुआ ग घ, ज झ, ड ढ, द ध और ब भ, या अंतस्थ व्यंजन वर्ण है य, र, ल, व, ये 4 हुआ, यानी इन 27 वर्णों में से अगर कोई वर्ण आ रहा हो और इधर ही 5 वर्णों में से कोई हो तो ये अपना तीसरा में बदल जाएगा। तो बिल्कुल आसान नियम है, आपको ध्यान रखना है कि वर्गों के प्रथम वर्ण में से कोई हो और इन 27 वर्णों में से कोई वर्ण आ जाए तो जो प्लस के पहले रहेगा वर्ण वो तीसरा में चला जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिक जोर अंत, यहाँ क हलंत के बाद जो कवर्ग का प्रथम वर्ण है अंत स्वर वर्ण अ आ रहा है तो क हलंत अपने तीसरे में चला गया, तो दिक का दिग बना ग हलंत, उसमें अ लगने से पूरा ग हुआ, तो दिक जोर अंत का आंसर दिगंत। तोड़ना होगा तो इस ग में से स्वर वर्ण निकाल लेंगे तो ग हलंत आएगा तो अंत निकलेगा और ग हलंत को फिर प्रथमा में कर देंगे तो दिक आंसर मिलेगा। तो जब तोड़ना होगा तो तृतीय को प्रथम में कर देंगे, जब जोड़ना होगा तो प्रथम को तृतीय में कर देंगे। अगला दिया है अच जोर अंता। अब अच जोर अंता में आप लोग देख रहे हैं च हलंत के बाद स्वर वर्ण अ है तो च अपने तीसरा में बदलेगा यानी ज हुआ, ज हलंत में अ लगने से पूरा ज बना, एंसर बना अजंता। सट जोर वादनम, अब सट में ट हलंत है उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण व आ रहा है तो क्या होगा आंसर, सट का सड हो गया, तो यहाँ आप देख रहे हैं सट का सड लिखा हुआ है और वादनम फिर से इसमें जोर दिया गया तो आंसर बना सड वादनम। अब है सत जोर आचार, सत जोर आचार में त हलंत के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो त अपने तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा यानी आंसर होगा सद में आचार सदाचार। अब आप लोग अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं अप जोर दह, प हलंत के बाद द आने के कारण ये प तृतीया में चला गया, आंसर बना अब दह। जगत जोर ईशह,
जगत जो ऋषा में त हलंत के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो त का द बनेगा और द में दीर्घ ही लगा, एंसर बना जगदीश। शुप जोर अंत, शुप जोर अंत में आप लोग देख रहे हैं कि प हलंत के बाद स्वर वर्ण अ आ रहा है तो ये प हलंत अपने तृतीय में चला गया यानी प फ ब, तो यहाँ पर ब हलंत में अ लगा, एंसर बना शुभंत। सट जोर असीति है, सट जोर असीति में ड हलंत के बाद अ आ रहा है तो ये ड बनेगा सद सीति। सदानन, अब इसको तोड़ना है, तृतीय वर्ण है ड, इसको प्रथम में ले जाएंगे तो सट और आनन। वागीसह में ग हलंत जोर दीर्घी है, दीर्घी से ईसह निकला और ग हलंत के जगह पर क हलंत, तो आंसर बना वाक जोर ईसह। तद्रूपम, अब तद्रूपम में दर संयुक्त है तो र में दीर्घुकार से रू बना रूपम और द हलंत को प्रथम में ले गए तो तत् जोर रूपम। अबजम है तो अबजम में आधा ब है तो अब का अप हो गया और जम के जगह जम लिखा गया तो ये आंसर बना अप जोर जम।